तो तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया, लेकिन ये बड़ा ऐलान क्यों करना पड़ा, वो पांच सियासी वजहें क्या है वो अब हम आपको बता रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा है चुनाव, क्योंकि आने वाले समय में पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और अभी जो उपचुनाव हुए इन राज्यों में तो बहुत अच्छा रिजल्ट बीजेपी के फेवर में नहीं था, ये वजह है एक। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो वजह है वोट बैंक। किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, हमने हाल ही में उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखा था, चाहे पंचायत चुनाव में देखा, और उसके अलावा हमने हिमाचल प्रदेश में देखा, पंजाब में भी देखा, राजस्थान में भी देखा। तो बड़ा वोट बैंक है किसान, और इस वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती है सरकार, ये वजह है कि ये निर्णय लेना पड़ा सरकार को। इसके अलावा जो प्रमुख वजह है विपक्ष का लामबंद हो जाना, विपक्ष एकजुटता, जैसे कि आज विपक्षी पार्टियों ने जिक्र किया कि ये तो विपक्षी एकजुटता का एक प्रमाण है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, हर एक राज्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी एकजुट थे और लगातार इसके अलावा इस पर जो है विरोध कर रहे थे। किसान विरोधी छवि बन रही थी और किसान विरोधी छवि जो बन रही थी कि तीनों कृषि कानून लेकर आए उसके बाद इनकी सुनी नहीं जा रही है, इसको सुधारना भी एक जो है मकसद है, इसी वजह से ये निकल गया। और किसान आंदोलन से नाराजगी थी, किसान आंदोलन लंबा चल रहा था और इसकी वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही थी, यही वजह है कि सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। तो कृषि कानून वापस लेने पर अकाल तख्त के जथेदार यानी हरप्रीत सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पता लग गया कि भारत सरकार ने तीन खेती बिल जिहड़े सी जिन्हां दे अगेंस्ट अंदोलन चल रहा सी बहुत वड्डा, वो तिन्ने खेती कानून रद्द कर दिते। और खुशी वाली गल है, और खुशी वाली गल ये भी है कि इन्हां बिलां नूं रद्द करन दी जिहड़ी अनाउंसमेंट भारत सरकार वल्लों कीती है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वह दीन दुनिया दे वाली धन धन साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी दे प्रकाश पुरब वाले दिन कीती है। खुशी दी ए गल है, खेती कानून रद्द होना और इहदा ऐलान गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह दे प्रकाश पुरब वाले दिन करना। साडी जिहड़ी चिंता सी वो इहो सी कि अंदोलन दे विच कुछ धिरां अजिहियां भी सन जिहड़ियां सिख सोच नूं, सिख निशान नूं, सिख फलसफे नूं, सिख इतिहास नूं, सिख सेंटीमेंट नूं दरकनार कर रहियां सी। ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਟਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਵਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਟਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ, ਡਾਊਨਲੋਡ ਇਟ ਨਾਓ।